होलिका दहन का पर्व हर साल फागुन के मास पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार होली पर ग्रहों का अजब संयोग है। गुरु और शनि अपनी स्वराशि में है। ऐसा 30 साल बाद हो रहा है जब शनि होली पर कुंभ और 12 साल बाद देव गुरु बृहस्पति स्वराशि मीन में विराजमान है। ग्रहों की चाल और राशि में बदलाव के लिए होली पर कुछ नियम अपना लें तो आपके परिवार के लिए और बिजनेस के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिखा सिंह है और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। दरअसल होलिका दहन 7 मार्च 2023 को है। कहते हैं होलिका दहन की राख बहुत फायदेमंद होती है। होलिका की राख से कुछ खास उपाय करने पर भाग्य चमक उठता है। मां लक्ष्मी विराजमान रहती है, ऐसा लोगों का मानना है। अगर घर की सुख शांति भंग हो गई है, परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव है, तो होलिका दहन के अगले दिन प्रातः थोड़ी सी राख को घर के कोने में छिड़क दें। ये उपाय सुबह ही करें, कोई देख ना पाए। मान्यता है इससे ग्रह कलेश दूर होते ही आपसी सामंजस्य बना रहता है। राहु केतु की पीड़ा से परेशान है या फिर शनि की महादशा के कारण काम बिगड़ रहे हैं तो एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर चढ़ा दें। कहते हैं इससे वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है, व्यवहार नौकरी में आ रही बाधा का नाश होता है। होलिका दहन की राख को तांबे के साथ छेद वाले सिक्के के साथ एक लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। मान्यता है इससे घर में बरकत बनी रहती है, मां लक्ष्मी मेहरबान होती है, पैसों में वृद्धि होती है। परिवार को बुरी शक्तियों से बचाने के लिए होलिका दहन की राख बड़े काम की मानी जाती है। होलिका दहन के अगले दिन सुबह ये राख घर ले आएं। इसमें नमक और राई मिलाकर घर में गुप्त स्थान पर रख लें। किसी को नजर दोष हो उसके सिर से 7 बार ये राख उतारकर चौराहे पर फेंक दें। टोने टोटके का असर खत्म हो जाएगा। कहते हैं कि जो लोग आए दिन बीमार रहते हैं वह माँ तक यानी अगली पूर्णिमा तक रोजाना माथे पर होलिका की राख का टीका लगाएंगे, इससे जल्द असर दिखना शुरू हो जाएगा। नवग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए होलिका की इस राख को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे मानसिक, आर्थिक और शारीरिक तौर पर फायदा होता है। इस पोटली को दुकान के मुख्य द्वार पर लटकाने से टोने टोटके का असर नहीं होता, मंद पड़े बिजनेस में मुनाफा होने लगता। ऐसी ही खबरों के लिए खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद।